की प्रेपोजिशन की सीरीज में, फिक्स्ड प्रेपोजिशन की सीरीज में अगला वीडियो देख रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और वर्ब लाई हूँ जो अपने साथ में फिक्स प्रेपोजिशन लेती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन वो छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं और हिंदी में भी होती है, ठीक है। हिंदी में जैसे मैं, पर, नीचे, ऊपर, और भी साथ में, के द्वारा, या और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। सारे मैं आपको नहीं बता पाऊँगी इस वीडियो में, तो हम एग्जांपल के लिए कुछ देख लेते हैं। तो ये सारे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी वर्ब होती है, मुख्य क्रियाएँ होती है जो अपने साथ में फिक्स प्रेपोजिशन लेती है। जैसे हमने पहले देखा था अग्री के साथ में with और to का यूज़ हमने किया था, सिचुएशन मैंने आपको बताई थी। इस वीडियो में हम wait और for को देखेंगे। wait for, wait वर्ब है और उसके साथ हम प्रेपोजिशन लगाएंगे for। तो स्पेलिंग देख लेते हैं, wait, wait, for, for। लेकिन मैं for र नहीं पढ़ रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग for र पढ़ते होंगे, लेकिन ये गलत है। हमें अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो हमें बोलना चाहिए wait for, wait for, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब होगा इंतज़ार करना, इंतज़ार करना। किसी का भी आप वेट करते हैं तो इंतज़ार करना। लेकिन फोर हम किसके लिए लगा रहे हैं, हम हिंदी में का की के शब्द के लिए फोर लगाते हैं। वैसे फोर का हम अधिकतर मीनिंग निकालते हैं के लिए, लेकिन यहाँ फिक्स प्रेपोजिशन है इसीलिए हम सीख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। हम सब अर्थ निकालने लग जाते हैं हिंदी का, कि हिंदी में तो के लिए आ ही नहीं रहा है तो फिर फोर क्यों लगाया है, ऑफ लगाना चाहिए, टू लगाना चाहिए। पर इंग्लिश सिचुएशन के हिसाब से बनी है, ना कि हिंदी से बनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। एक सेंटेंस ले लेते हैं कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। उसका इंतज़ार के बाद में ये उसका शब्द जो आ रहा है, उसमें का जुड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट के साथ आप का की के जुड़े हुए आएंगे, उसका, तुम्हारा, मेरा, उनका, राम का, मोहन का। तो ये जो का शब्द आएगा उसके लिए हम फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे फोर, ठीक है। वेट के बाद फोर का यूज़ करेंगे। जैसे वह मेरा इंतज़ार कर रही है, वह मेरा इंतज़ार कर रही है। She is waiting for me. She is waiting for me. यहाँ मैंने मेरा इंतज़ार कर रही, तो मेरा शब्द जो आया है उसके पहले मैंने wait for फिर me लगाया है, और ये continuous का है, इस वजह से हमने wait के बाद में ing लगा दिया है, fourth form लगा दी है verb की। तो ये continuous tense का sentence था। तुम उसका इंतज़ार क्यों करते हो, तुम उसका इंतज़ार क्यों करते हो। Why do you wait for him? Why do you wait for him? अब यहाँ मैंने for लगाया है क्योंकि him उसका, तो उसका के लिए हम क्या लगाएंगे, for लगाकर फिर उसे के लिए हम him लगा देंगे। He का object him होगा और लड़की है तो her कर देंगे। तो आज हमने wait और for, ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन सीखी। और इसी प्रकार की इंग्लिश की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप सभी मुझे YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं उनको भी जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।